और हम लोग को एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर कई जगह अवार्ड मिलते हैं. सो बेस्ट पार्ट इज की गेटिंग अवार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन विच हैज टॉट यू टू स्टडी एंड गो आउट इन लाइफ टू मेक अ लिविंग एंड दैट फुल सर्कल इज गेटिंग कम्प्लीटेड कि आज आपको वही इंस्टीट्यूट अवार्ड दे रही है. सो दैट इज समथिंग वेरी रिमार्केबल. थोड़े से इमोशनल नॉस्टैल्जिक कुछ फीलिंग हो रही है, कैसा लग रहा है? इतने साल बाद, मतलब ऐसे तो क्या कि पहले आठ साल रहते थे, पहले आते रहते थे, बीच में आठ साल का गैप हो गया, तो सडनली घुस रहे हैं. तो अभी भी वो डर और एक्साइटमेंट दोनों था जब गेट में घुस रहे थे. एंड सडनली जब फादर बड़े अच्छे से बात करते लग रहा हुआ चाहिए, वो फादर थे जो स्ट्रिक्ट बात करते थे. सो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग एंड ऑफकोर्स इमोशन तो आते ही है, क्योंकि आज सडनली इतने साल बाद वी आर कमिंग फॉर अ थिंग जिसमें कि आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट जो आप स्टडी करते थे, आपने शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसा जो लोग सुन रहे हैं, खास करके जो जो यंगस्टर्स है जो बडिंग कुछ करना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा आज के दिन? मैं यही बोलूँगा फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग अभी भी रखना होगा. चीज़ें चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, बिजनेस व्यू पॉइंट्स चेंज होते हैं. आज वैल्यूएशंस का जमाना आ गया, स्टार्टअप्स का आ गया, सारी चीज़ें ठीक है. यू शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल विद द टाइम, बट एट द सेम टाइम ये जरूरी है कि आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस हरदम आपके संग टिका रहेगा. दैट इज व्हाट आई वांट टू से.